हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम खेलने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ पहला वर्ल्ड कप मैच। तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो कर देना। तो चलिए हम चलते हैं टॉस की ओर। और पाकिस्तान ने पहली बैटिंग चुनी है तो हमारी पहली बॉलिंग आने वाली है। तो चलते पाकिस्तान की ओर से पहले बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और हमारी ओर से पहली ओवर डाल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार द स्विंग किंग। पहली गेंद आउट स्विंग गेंद और पैर में गिरी परंतु क्लिक कर दिया और एक रन। पाकिस्तान का खाता खुल चुका है। अभी तक तो पाकिस्तान की टीम का स्लो स्टार्ट। ओ भाई, ये क्या हुआ, बाल बाल बच गए यहाँ पे मोहम्मद रिजवान और हर्षदीप। और भुवनेश्वर कुमार ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ 11 रन ही हुए दो गेंदों में और इस बार गैप में है परंतु बड़ा ग्राउंड है। और है यार, ये रुकना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान को मिल चुका है 4 रन, 8 रन पे पहुंच चुके हैं वो। भूविकों में अभी लाता हूँ क्योंकि वो डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते, इसलिए नया बॉल है और थोड़ा स्विंग भी होगा। और इस बार पैरों में गेंद डाल दी और इस बार 4 रन मिल जाएंगे बाबर आजम को। अभी आ चुके हैं हमारे बेहतरीन ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। अश्विन तो बाबर आगे बढ़ के खेला है, इस बार उसे 4 रन मिल जाएंगे। प्लीज़ ये कैच हो जाए। जी नहीं, ये 6 रन मिल चुके। 4 क्या भाई, अच्छी टाइमिंग थी इसलिए 6 रन मिल चुके अश्विन के। इसके पहले पहले वाले ओवर में 10 रन आ चुके थे। अभी आ चुके अक्षर पटेल, आगे बढ़ के खेला है। इस बार तो क्या कैच हो सकता है, बड़ी बाउंड्री है। जी नहीं, 6 रन मिल जाएंगे मोहम्मद रिजवान को। दूसरा छक्का मोहम्मद रिजवान का। अभी हमें कुछ भी करके ओपनर की विकेट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये दोनों टिक गए तो पाकिस्तान का स्कोर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। 5 ओवर में 46 रन हो चुके हैं पाकिस्तान की टीम के। और इस बार आउट, ये इनसाइड है और ये आउट हो सकता है क्या। अपील तो की है और अंपायर ने दे दिया आउट। अश्विन ने पहली विकेट ले ली है इंडिया की टीम के। और दिनेश कार्तिक का क्या ही खतरनाक कैच। ये देखिए अश्विन ने ऑफ स्पिन गेंद थी और रिजवान ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और दिनेश कार्तिक का शानदार कैच। और मोहम्मद रिजवान 15 गेंदों में 24 रन बना के आउट। अभी आ चुके लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फकर जमान। ऑफ स्पिन गेंद, फकर जमान ने उठा के खेल दिया है। प्लीज़ ये रुकना चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। अरे यार, ये क्या खराब फील्डिंग कर अश्विन ने। अभी तक तो ये ओवर काफ़ी अच्छी डाली है परंतु ये बॉल खराब गई और बाबर आजम ने अश्विन के सामने अच्छा शॉट लगा के 6 रन बटोर लिए। फकर जवान टू अक्षर पटेल और फकर जमान ने क्या ही खतरनाक फ्लिप कर दिया और ये उसको 4 रन मिल जाएंगे। पाकिस्तान की टीम की इस बार की रन रेट तो बहुत ही अच्छी है। तो बाबर आजम फ्लिक इट अवे फॉर द 4 रन। और भाई क्या ही खतरनाक खेल रहे हैं, 21 गेंदों में 33 बना चुके हैं बाबर आजम। एक बार फिर से उठा दिया है और एक बार फिर से 4 रन मिल जाएंगे उसे। आउटफील काफ़ी फास्ट। बाबर आजम ने हार्दिक पांड्या को 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगा दिए। इस बार एज हो गया और एज होके 4 रन। इस बार बाबर आजम को बाउंसर डाल के देखते हैं। बाउंसर डाली और हार्दिक पांड्या का क्या ही खतरनाक बॉल। 3 बैक टू बैक बाउंड्री खाने के बाद 4थी गेंद पे बाबर आजम को बाउंसर गेंद पे बोल्ड कर दिया है। ये देखिए इनसाइड एज और बोल्ड बाबर आजम। बाबर आजम ने 24 गेंदों में 41 बनाए और अभी आ चुके आक्रामक बल्लेबाज हैदर अली। अभी सेकेंड लास्ट ओवर बॉलिंग करने के लिए आ चुके यूजी चहल। यूजी चहल को फकर जमन ने उठा के खेल दिया और 6 रन मिल जाएंगे। बहुत ही बड़ी बाउंड्री है परंतु अच्छी टाइमिंग थी इसलिए 6 रन मिल चुके हैं फकर जमान को। यूजी चहल इस ओवर में बहुत ही महंगे साबित होते हुए। क्या ये आउट है, प्लीज़ आउट दे दे अंपायर प्लीज़। जी हाँ, और ये प्लम्ब था ऐसा लग रहा है। और देखिए कमेंट में बताइए ये कौन सी स्टंप में लगने वाला था। 11 गेंदों में 23 रन बना के फकर जमान आउट। कमेंट में बताए कि ये रन आउट है कि नहीं। ये आउट, रन आउट। ओवर थ्रो के चलते उसे 2 रन तो मिले परंतु 3रे रन की कोशिश थी परंतु 3रे रन में रन आउट हो चुके। आसिफ अली आ चुके। अभी 2 बैक टू बैक विकेट मिलती हुई इंडिया की टीम को। और क्या ये हैट्रिक हो सकती है। और रोहित शर्मा का स्लिप में शानदार कैच और यूजी चहल को दूसरी विकेट मिल चुकी है अपने पहले ही ओवर में। पाकिस्तानी टीम के ओपनर ने शुरुआत तो अच्छी की थी परंतु फिर ओपनर आउट होने के बाद बैक टू बैक विकेट गिरती हुई। अभी 3 विकेट गिर चुकी है बैक टू बैक। आसिफ अली गोल्डन डक बना के आउट। शादाब खान आ चुके। पाकिस्तान की टीम को हमें 100 रन बना से तो रोकना ही होगा। 96 हुए परंतु इस बार, अरे यार, ये फील्डिंग में बहुत ही ख़राब चल रही है अभी इंडिया की। ये कैच होना चाहिए था पर यह पहले ही गेंद में 4 रन बटोर लिया है।
जसदीप सिंह यॉर्कर अच्छा डालते हैं तो एक बार फिर और यॉर्कर डालने। अरे यार ये क्या कर रहे हैं विराट पाजी, ये रुकना चाहिए था। और 4 रन मिल चुके हैं विराट कोहली की मिस फील्डिंग के चलते। 10 ओवर में पाकिस्तानी टीम के 108 रन हो चुके हैं। तो ये मुकाबला काफ़ी टक्कर का होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अभी चलते हैं नेक्स्ट इनिंग की ओर। अभी हमारी ओर से आ चुके हैं राहुल और रोहित शर्मा और उसकी ओर से शाहीन शाह अफरीदी। दूसरी गेंद, इस बार पैरों में गेंद स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है परंतु अच्छी टाइमिंग नहीं हुई और 1 रन मिल चुके हैं। रोहित शर्मा ने अपना खाता खोल लिया और इंडिया का भी। इस बार रोहित शर्मा ने कट खेल दिया है और आउटफील्ड काफ़ी फास्ट है उसकी। रोहित शर्मा को 4 रन मिल जाएंगे। इंडिया को अभी रोहित शर्मा ने पहली बाउंड्री दे दी है और भाई ये दूसरी ओवर की आखिरी गेंद और रोहित शर्मा आउट। शाह की आगे की गेंद, रोहित शर्मा बढ़ नहीं पाए और सीधा आउट हो चुके, मिस टाइम हुआ। 10 गेंदों में 6 रन बना के रोहित शर्मा आउट। अभी आ चुके हैं किंग कोहली, चेस मास्टर किंग कोहली। चेस मास्टर को अभी क्रीज पे अच्छा स्टार्ट देना होगा हमारे टीम को। विराट कोहली अपनी पहली गेंद खेलते हुए, क्या रिस्क उठा सकते हैं हम? और यार इस बार लेट टाइमिंग और विराट कोहली ने सीधे कवर के फील्डर के हाथ में आउट। विराट कोहली क्या पहली गेंद पे उठाने की कोशिश की थी परंतु अच्छी टाइमिंग नहीं हुई और यह सीधे आउट। अभी आ चुके हमारे सूर्य कुमार यादव द स्काई, एक बार फिर से अच्छी शॉट और इस बार तो 4 मिलना चाहिए। आउटफील्ड काफ़ी तेज है और 4 मिल जाएगा। सूर्य कुमार यादव का पहला चौका। सूर्य कुमार यादव ने अभी लेफ्ट साइड की ओर खेल दिया है, वहाँ पे कोई भी फील्डर नहीं था। उस एक बार फिर से 4-2। अभी हमें थोड़ा अटैकिंग खेलना होगा क्योंकि 38 गेंदों में 89 रन चाहिए। एक बार फिर से अच्छी टाइमिंग, प्लीज़ ये 6 हो जाए। और सूर्य कुमार यादव का क्या ही खतरनाक शॉट, बैक फुट माफ़ कीजिएगा, यह शॉट केएल राहुल ने मारा था। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद और अच्छी टाइमिंग और इस बार भी उसे 6 रन मिल जाएंगे, सीधा फ्लैट शॉट। अभी रफ्तार किंग आ चुके हैं एस रॉफ। ओ भाई ये क्या ही खतरनाक शॉट था, ये देखिए बाउंसर गेंद परंतु एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन बटोर लिए केएल राहुल ने। क्या ही खतरनाक शॉट था, एक बार तो देखना ही होगा। ये देखिए, ओ भाई क्या ही खतरनाक शॉट, हरीश राउत की पहली गेंद में राहुल ने छक्का मार दिया है और दूसरी गेंद में गैप में खेल दिया है और 4 रन मिल जाएगा केएल राहुल को। 2 बैक टू बैक बाउंड्री आ चुकी है, 2 गेंदों में 10 रन बनाए अभी राहुल ने। आगे की गेंद अच्छी टाइमिंग थी, इस बार आउटफील्ड तो फास्ट है परंतु 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को। पहली बाउंड्री आती हुई सूर्य कुमार यादव के नाम। अभी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, 21 गेंदों में 55 रन चाहिए और सूर्य कुमार यादव ने उठा के खेल लिया है और उसको 6 रन मिल जाएंगे। और सूर्य कुमार और राहुल की शानदार 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है जो कि इंडिया को ज़रूरत थी। एक बार फिर से बाहर की गेंद उठा के खेल दिया है, ये 6 रन होना चाहिए और ये 6 रन। सूर्य कुमार यादव ने 2 बैक टू बैक स्टिक्स लगा दिए। अभी 19 गेंदों में 43 रन चाहिए। एक बार फिर से सूर्य कुमार ने उठा दिया है कवर की दिशा में और इस बार फिर से 6 रन मिल चुके हैं सूर्य कुमार यादव। 3 बैक टू बैक बाउंड्री, वाह भाई वाह, सूर्य कुमार यादव अभी इंडिया को मैच में लाते हुए। अभी इंडिया को 13 गेंदों में 33 रन चाहिए और राहुल ने उठा के खेल दिया है और उसे 4 रन मिल जाएगा, जी नहीं 6 रन। वाह भाई वाह, राहुल जिसकी शॉट की ज़रूरत थी उसी टाइम पे आ चुका है शॉट। ओके 8 ओवर में 82 रन हो चुके हैं इंडिया की स्कोर। अफरीदी आ चुके हैं अपनी लास्ट ओवर लेके और इस बार उठा के खेल दिया है प्लीज़ फील्डर के हाथ में। अरे यार सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में। यह पार्टनरशिप ब्रेक हो चुकी है, शाहीन शाह अफरीदी ने पहली गेंद पे आउट किया और सूर्य कुमार यादव 18 बॉल में 33 रन बना के अच्छी नॉक थी उसके। अभी आ चुके हमारे तो फिनिशर डीके ऑन स्ट्राइक। इस ओवर में हमें मिनिमम दो बाउंड्री चाहिए ही चाहिए। एक बार फिर से खराब टाइमिंग और सीधा फील्डर के हाथ में जाएगा और यार दिनेश कार्तिक भी आउट हो चुके हैं। अभी इंडिया बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ चुका है और डीके भी चलते बजे 2 गेंदों में 2 रन बना के। अभी हमारे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और भाई शाहीन शाह अफरीदी अभी तक तो बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कर चुके हैं, 2 विकेट ले लिए और इस बार केएल राहुल ने उठा के खेल दिया है और उसको मिल जाएंगे 6 रन, सीधा बहुत ही शानदार शॉट। अभी केएल राहुल ने मैच जिंदा रखा है।
मोहम्मद नवाज आ चुके हार्दिक पंड्या के सामने, और इस बार प्लीज और ये भाई बच गए और चार रन मिल जाएंगे। हार्दिक पंड्या ने अपनी पहली गेंद पे चार रन बटोर लिए, लास्ट फाइव बॉल बची और 13 रन चाहिए, क्या होता है। एक बार फिर से हार्दिक ने स्ट्रेट में उठा के खेल दिया है, डाउन द ग्राउंड शॉट एंड 4 रन, अभी 4 गेंदों में 9 रन चाहिए। एक बार फिर से हार्दिक पंड्या ने लेग साइड की ओर उठा के खेल दिया है और एक बार फिर से उसे 4 रन मिल जाएंगे। 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम हार्दिक पंड्या, अभी इंडिया को 3 गेंदों में 5 रन चाहिए, देखते हैं। एक बार फिर से उठा के खेल दिया, इस बार गैप में और इस बार मिसफील्डिंग के चलते 4 बैक टू बैक बाउंड्री फॉर द हार्दिक पंड्या, 4 गेंदों में 4 चौके लगा दिए हार्दिक पंड्या ने, तब फिनिशर हार्दिक पंड्या, एकदम ये मैच जिंदा रख सकते हैं। और एक बार फिर से उठा के खेल दिया और इस बार अच्छी टाइमिंग थी, आइडल टाइमिंग थी और 6 रन मिल जाएंगे, और इस विनिंग शॉट के चलते पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में। हमने इस T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है और इंडिया की ये पहली जीत पहले ही मैच में, और सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल की अच्छी पार्टनरशिप की वजह से यह मैच इंडिया जीत चुका है। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने केएल राहुल, जिसने 48 रन बनाए और जिसने मैच को जिंदा रखा है। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो यह मैच बहुत ही अच्छा लगा। आपको यह मैच कैसा अच्छा लगा कि नहीं वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर देना, तो तब तक के लिए गुड बाय।